इस किचन में बनाएंगे नो चीज़, नो मायोनीज, नो ईस्ट, नो ओवन पिज़्ज़ा। और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी थी कि ईस्ट के बगैर, खमीर के बगैर जो है वो पिज़्ज़ा डो कैसे बनाई जाती है वो बनाना बता दें। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों से ये वाली रेसिपी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी डो गूंथ लेते हैं, और डो के लिए हम लेंगे आधा कप और इसके साथ 2 खाने के चम्मच मैदा, और इसमें शामिल करेंगे नमक हसबे ज़रूरत। मैंने यहाँ पे इसमें 2 चुटकी नमक शामिल किया है, और इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी 1/2 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब 1/4 चाय का चम्मच, और इन ड्राई अज्जा को एक दफ़ा विस्क की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में हमेशा मेरा खुद बहुत दिल करता है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं, तो इसके लिए मैं उन सादा सी चीज़ों के साथ आपको पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगा जो कि अमूमन हर घर में हर टाइम मौजूद होती हैं, क्योंकि इसमें ना तो हम चीज़ डालेंगे और ना ही किसी किस्म की कोई ईस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच दही। तो दही डालने का मकसद इसमें ये है कि दही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के साथ मिलकर ईस्ट का काम करता है, और अगर आपको दही नहीं मिलता या आप इसमें दही शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। तो दही डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक यहाँ पे हम दही मिक्स कर रहे हैं, आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक सके। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं इसका फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मैं अभी सिर्फ इसमें 1 चाय का चम्मच पानी शामिल करूँगा, और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच के जितना पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से गूँध लेता हूँ। तो जब डो इस तरह की हो जाए तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे घी 1 चाय का चम्मच। आप इसमें ऑयल या बटर भी शामिल कर सकते हैं, और घी शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मजीद गूंद लेंगे। तो डो को हमने सख्त नहीं रखना, हमने इसको सॉफ्ट रखना है, जिस तरह हम लोग आम पिज़्ज़ा के लिए डो बनाते हैं और वो सॉफ्ट होती है, उसी तरह हमने इस डो को भी सॉफ्ट रखना है। और इस डो को हम अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए इसको गूंद लेंगे ताकि जो इसमें हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही डाला है वो अच्छी तरह से इसमें काम करके इसको सॉफ्ट बना दे। तो यहाँ पे डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कपड़े की मदद से कवर करेंगे, और कवर करके हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि ये थोड़ी सी राइस हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हम डो को रेस्ट में रखते हैं तब तक हम इसकी वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। तो वाइट सॉस के लिए हम एक पैन लेंगे, और पैन में शामिल करेंगे घी 1 खाने का चम्मच। उमन जो वाइट सॉस होती है वो मक्खन के साथ बनाई जाती है, लेकिन अगेन वही बात कि मैं आपको पिज़्ज़ा उन तमाम चीज़ों के साथ बनाना बताऊँगा जो कि हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो समटाइम्स घर में बटर भी मौजूद नहीं होता, इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे घी। तो घी जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा 1 खाने का चम्मच, और मैदा डालकर हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मैदे को, ताकि इसकी एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और मैदे का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो आप एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी से पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, और आप चीज़ वाले पिज़्ज़े को भूल जाएंगे और हर दफ़ा फिर इसी चीज़ के साथ इसी तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो मैदे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, और मैदा अच्छी तरह से घी में भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध 1/2 कप। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई गुठली ना रहे।
यहाँ पे हमने इसमें दूध शामिल कर दिया। और अगर आपको लगे कि ये व्हाइट सॉस गाढ़ी है तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच के जितना पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास दूध मौजूद है तो मैं इसमें 2 खाने के चम्मच मजीद दूध शामिल कर दूंगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक हसबे ज़रूरत या 1/4 चाय का चम्मच और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे कि ये एक स्मूथ सा क्रीमी सा व्हाइट सॉस बन जाए। तो यहाँ पे हमारी व्हाइट सॉस बन के बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हम कर देते हैं ऑफ और इसको हम लोग एक बाउल में निकाल के रख लेते हैं। तो पिज़्ज़ा के लिए हमने पिज़्ज़ा डो भी रेडी कर ली है, व्हाइट सॉस भी रेडी कर ली है। अब हम इसके लिए रेडी करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैं उमूमन समटाइम्स क्या करता हूँ कि केचप में कुछ चीज़ें शामिल करके मैं इसकी पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लेता हूँ। यकीन माने बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बनती है। तो यहाँ पर हम केचप लेंगे, कोई सी भी केचप ले लें 2 खाने के चम्मच, और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 चाय का चम्मच मसाला। ये वही मसाला है जिससे मैं हमेशा जिंगर की या हॉट शॉट्स की या शॉर्मे वाले चिकन की मैरिनेशन करता हूँ। अगर आपने अभी तक मसाले की ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप ये सारा कुछ भी नहीं डालना चाहते तो सिंपल आप इसमें 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी पिज़्ज़ा सॉस बन के बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा डो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है और बहुत सॉफ्ट है, ये देखें। तो यहाँ पे अब हम डो को रोल करेंगे। तो काउंटर पे डस्ट करेंगे थोड़ा सा खुश्क मैदा और देखें कितनी ये सॉफ्ट डो है, और इसको हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। ये जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको चीज़ों की क्वांटिटी बताई है उनसे एक पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ का बहुत आराम से बन जाएगा। तो इस डो को हमने बिल्कुल थिन बेल लेना है, रोल कर लेना है। मोटा आपने इसको नहीं रखना, अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा मोटा भी रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक मीडियम पैन। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप कोई सी भी घर में जो अमूमन प्लेट होती है सिल्वर की या लोहे की या स्टील की, आप उसमें भी इसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन को मैंने थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर लिया। अब हम इसमें रखेंगे रोल की हुई डो और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस और इसको अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे वाइट सॉस और वाइट सॉस हम लगाएंगे अच्छी तरह से, इसको भी स्प्रेड कर लेंगे। और वाइट सॉस लगा लेने के बाद हम इस पे लगाएंगे ये चिकन। ये ऑप्शनल है, अगर आप वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप चिकन को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अब मुझे चिकन पिज़्ज़ा पसंद है और मेरे पास चिकन टिक्का के ये बाइट्स भी पड़े हुए थे तो मैंने इनको अच्छी तरह से कुक कर लिया और ये मैं पिज़्ज़ा डो के ऊपर अच्छी तरह से लगा दूंगा। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं लगाना चाहते तो आप चिकन को स्किप कर दीजिएगा। तो अगर आप वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो व्हाइट सॉस लगाने के बाद आप इसके ऊपर हल्की सी हसबे जरूरत कुटी हुई लाल मिर्च या क्रश्ड रेड चिली थोड़ी सी जरूर स्प्रिंकल कीजिएगा, उससे थोड़ा सा ये पिज्जा स्पाइसी हो जाएगा। तो चिकन डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कॉर्न्स, ये मेरे पास फ्रोजन कॉर्न्स हैं, स्वीट कॉर्न्स, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। और ये वेजिटेबल्स आपकी मर्जी है, आप कितनी क्वांटिटी इसके ऊपर डालना चाहते हैं। तो मुझे स्वीट कॉर्न्स ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें ज्यादा डालूंगा, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे शिमला मिर्च बारीक जूलियन कट की हुई, और शिमला मिर्च के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आपको जौन सी वेजिटेबल पसंद है आप वही इसके ऊपर डाल सकते हैं। प्याज के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक जूलियन कट टमाटर, आप इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स और मशरूम भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का हम लोग पाइपिंग बैग लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई सा भी साफ शॉपर लेकर उसमें ये जो बाकी बची हुई व्हाइट सॉस थी ये हम डालेंगे और इसको बिल्कुल बारीक सा कट कर लेंगे। और इस व्हाइट सॉस को हम पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे, क्योंकि चम्मच के साथ नहीं लगेगी इसलिए हम लोग पाइपिंग बैग की मदद से इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे अब हम इसको बेक करेंगे स्टोन ओवन में। तो मैंने क्या किया था, एक कढ़ाई में, ये मेरे पास स्टोन्स हैं जिसमें मैं हमेशा बेकिंग करता होता था, तो कढ़ाई में मैंने रखे ये स्टोन्स और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट करना शुरू कर दिया था। तो अगर आपके पास स्टोन्स नहीं है तो आप कोई सा भी सांचा रख सकते हैं, कोई सा भी स्टैंड रख सकते हैं, या 2 कप नमक डालकर उसके ऊपर आप स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर फिर पिज़्ज़ा प्लेट रखकर इसको बेक करेंगे। हम इसमें रखेंगे पिज़्ज़ा प्लेट और इसको कवर करके हम लोग मीडियम फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा को बेक होने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद।
यहाँ पे पिज़्ज़े को बेक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करेंगे। और देखिए माशाल्लाह ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और पिज़्ज़े की जो डो है वो भी राइज हो चुकी है और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना है। अब हम इसको निकालेंगे कढ़ाई में से। यहाँ पे आप पैन में से पिज़्ज़े को हम कटिंग बोर्ड पे निकालेंगे और देखिए कितना ये सॉफ्ट बना है। अब इसका एक स्लाइस में आपको कट करके दिखाऊंगा कि पिज़्ज़ा हमारा कितना अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो हमारा पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। यकीन माने जब आप इस पिज़्ज़े को खाएंगे तो आप महसूस ही नहीं कर सकेंगे कि आपने इसके ऊपर चीज़ डाली है या नहीं और आपने इसकी डो में ईस्ट डाली थी या नहीं। देखें नीचे वाली साइड से पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आया था और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये नो चीज़ नो ओवन और नो ईस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपका पिज़्ज़ा कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो लोग कहते हैं कि उनके पास ईस्ट नहीं है, चीज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो उनको मेरी रेसिपी रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।